आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। रविवार को इंदौर के विधानसभा 3 के विधायक शिव भक्त आकाश विजयवर्गीय का जन्मदिन एक अलग ही अंदाज में मना। अल सुबह से देर रात्रि तक आकाश विजयवर्गीय ने शहर के विभिन्न धर्मस्थलों पर जाकर स्वयं के जन्मदिन पर जन कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सेवा ही संकल्प की भावना को सर्वोपरि रखने वाले शिव भक्त विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर इंदौर के अग्रसेन चौराहा नवलखा स्थित श्री मनकामनेश्वर कांटा फोड़ महादेव मंदिर पर अभिषेक एवं महाआरती कर जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरान श्री मनकामनेश्वर कांटा फोड़ भक्त मंडली ने जन्मदिवस पर विजयवर्गीय को बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। मंदिर ट्रस्ट के BK गोयल ने बताया कि हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक आकाश विजयवर्गीय परम शिव भक्त हैं। आकाश के पिता श्री कैलाश विजयवर्गीय भी हर वर्ष रक्षाबंधन के पावन अवसर पर श्री मनकामनेश्वर कांटाफोर्ड शिव मंदिर पर प्रातःकालीन भस्म आरती करते हैं। जी तो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जब से सार्वजनिक जीवन के अंदर उन्होंने कदम रखा है। पूरी भक्त मंडली का बहुत दुलार है उन पर। सेवा की एक प्रकल्प की जो नई परिकाष्ठा उन्होंने ये विगत 3 वर्षों में लिखी है, शायद से ही सार्वजनिक जीवन के अंदर 50 सालों के अंदर इंदौर के अंदर एक युवा चेहरे ने करी है। चाहे वो कोविड काल हो, चाहे वो दवाइयों का वितरण हो, या किसी भी प्रकार की अन्य सहायता हो, आकाश जी का हृदय बहुत बड़ा है और उसी का नतीजा हम देखते हैं कि इतना विशाल स्नेह उनको पूरे क्षेत्र के अंदर मिला हुआ है। यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व भस्म आरती की थी कैलाश जी ने, आकाश जी शिव भक्त भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मनकामनेश्वर मंदिर किस तरह से उनको लेता है इस बात? देखिए, कांटाफोड़ शिवालय पर आकाश जी मेरे हिसाब से हर 10 से 15 दिन के अंदर आते हैं, अभिषेक करते हैं। कैलाश जी भी करीब 23 वर्षों से भस्म आरती के माध्यम से मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो पूरे विजयवर्गीय परिवार का एक आत्मीय संबंध जो है भक्त मंडली से बना हुआ है। मंदिर में आकाश जी, क्या भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय जी
25 सालों से यहाँ से जुड़े हैं और हमेशा भस्म आरती में वो उपस्थित रहते हैं। और हमारे विधायक ओजस्वीमान विधायक आकाश भैया जो कि युवा है, वो तेजस्वी है और देव से महादेव, जो कि विधायक बनने के पहले ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी है देव से महादेव, वो पुस्तक उनकी और ये देव से महादेव जो उनको प्रेरणा मिली है।